हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी लर्न ए लेसन इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर मोमेंट बुक. द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. लेट्स बिगेन द चैप्टर. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए की धनराशि में खरीद लिया था. सम मीन्स धनराशि. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ. तांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को एक नाद के साथ बांध दिया करता था. ट्रॉफ मीन्स नाद. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और उस स्थान पर बंदर विचित्र लगता था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. दादाजी ने उस बंदर को अपने निजी चिड़ियाघर में रखने का फैसला किया. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी आंखें उसकी गहरी भौं के नीचे शरारत से चमकती थी. एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट. और उसके दांत जो मोतियों जैसे सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्रेटनेड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंजलो इंडियन लेडीज. सफ़ेद दांतों को देखकर एंजलो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियां डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज टफ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम फॉर मैनी ईयर. लेकिन उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे, जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों. कई वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड. लेकिन उसकी उंगलियां फुर्तीली और शरारती थी. एंड हिज टेल और उसकी पूंछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसको सुंदरता को बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवनस गुड लुक्स. दादाजी को यह विश्वास था कि पूंछ से सभी की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है. आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. और यह तीसरे हाथ का काम भी करती थी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एनी डिलेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था. और जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे, वहां से वह अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त कर सकता था. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. जब कभी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर ले आते थे, तो दादी गुस्सा हो जाती थी, हमेशा गुस्सा हो जाती थी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड. इसलिए यह फैसला किया गया कि जब तक दादी प्रसन्नचित न हो, तब तक टोटो को उनसे छुपा के रखा जाए.
grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. इसलिए दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार में एक खूंटी के साथ बांध दिया. सो वी थॉट और हमने सोचा कि टू ए पिग फेस्टनेड इन टू द वॉल और उसे हमने दीवार की एक खूंटी में बांध दिया. ए फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटे बाद व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो जब दादाजी और मैं टोटो को रिलीज करने के लिए छोड़ने के लिए वापस आए वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर हमने पाया कि दीवार जो कुछ सजावटी कागजों से ढकी गई थी जिन्हें दादा के द्वारा चुना गया था ना स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर अब वह नग्न हो गई है मतलब वो सजावटी कागजों को उसने फाड़ दिया अब सिर्फ ईंट और प्लास्टर दिखाई दे रहे थे. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट दीवार में खूंटी को उसने उखाड़ दिया था एंड माई स्कूल ब्लेजर और मेरे स्कूल के ब्लेजर को विच हैड बीन हैंगिंग देयर जो वहाँ पर लटका हुआ था वाज इन श्रेड्स उसके टुकड़े कर दिए थे. आई वंडर्ड वाट ग्रैंड मदर वुड से मैं सोच रहा था कि दादी क्या कहेंगी बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस लेकिन दादा ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है दादा टोटो के कार्य से प्रसन्न दिखाई दे रहे थे. ही इज क्लेवर वह चलाक है सेड ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ने कहा गिवन टाइम कुछ समय होता आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू ए रोप वह निश्चित ही तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को रस्सी बनाकर एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो और वह खिड़की से बचकर भाग जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट घर में उसकी मौजूदगी अभी तक एक रहस्य थी. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिबली टूगेदर टोटो को अब एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया था इन द सर्वेंट्स क्वार्टर नौकर के कमरे में वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड जहाँ पर ढेर सारे दादाजी के पालतू जानवर सामाजिकता से साथ साथ रहते थे. ए टर्टाइज ए पेयर ऑफ रैबिट्स एक कछुआ खरगोश का एक जोड़ा ए टेम स्क्वायरल एक पालतू गिलहरी एंड फॉर ए वाइल और समय के लिए माई पेट गॉट मेरी पालतू बकरी बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपनीज टू स्लीप एट नाइट लेकिन बंदर ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया था. सो ग्रैंडफादर इसलिए दादाजी ने
who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी जो अपनी पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का निश्चय किया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी, संयोगवश मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका. ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दादाजी सहारनपुर गए हुए थे. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने इसके बारे में मुझे बताया. ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़े काले टाट के थैले में टोटो को रखा गया था. दिस विथ सम स्ट्रा एट द बॉटम, जिसके निचले हिस्से में कुछ घास भर दी गई थी. बिकम हिज न्यू अबॉड, एक नया बिस्तर बन गया था उसके लिए. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, बचने का कोई चांस नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. तो टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो खुले हुए जगह से अपने हाथ को निकाल रहा था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग, और कैनवास यानी टॉप मोटे कपड़े का थैला था, वो बहुत मजबूत था. फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट हिज वे थ्रू हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, एनी हैड द एफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर. बैग इतना मजबूत था कि वह उसे फाड़ नहीं सकता था, और इसका रिजल्ट यह था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहता था, कभी कभी हवा में उछल पड़ता था. एंड एग्जामिनेशंस दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए एक आकर्षण बना हुआ था. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोडाइसिंग हिज टिकेट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन. लेकिन जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट टीसी को दिखाया, तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखाए. द पुअर मैन वॉज टेकन बैक, बेचारा आदमी डर से पीछे हो गया. बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनुएंस, ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. लेकिन उसकी मौजूदगी से दादाजी की चिंताएं बढ़ गई. उसने कहा, सर आपके पास आपके साथ डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट, तुम्हें इसके लिए भाड़ा देना पड़ेगा इसके अनुसार. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाल कर दिखाया.
इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग. और उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि कुत्ता नहीं ये बंदर है. और इवन एज क्वाड्रुपेड, और इसका कोई भाड़ा नहीं लगना चाहिए. टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. लेकिन टिकट कलेक्टर ने नहीं सुना और दादाजी को भाड़े के लिए 3 rupees देने पड़े. द ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेटर टाइज. दादाजी ने बदला लेने के लिए अपनी जेब से हमारे पालतू कछुए को बाहर निकाला. एंड सेड, और कहा, वाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या देना चाहिए. सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्या आपको इन सभी जानवरों का किराया देना पड़ेगा. टिकट द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टाइज प्रोडेड इट विथ हिज फिंगर फोर फिंगर गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रेम्फेंट लुक एंड सेड नो चार इट इज नॉट ए डॉग. टिकट कलेक्टर ने उसे उंगली से दबा कर देखा और कहा कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, यह कुत्ता नहीं है.